यार रहमान की पत्नी से तलाक लेने की खबर सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर ट्रोल्स की बाढ़ आ गई थी। ऐसे में कंपोजर की टीम ने लीगल नोटिस अब जारी कर दिया है। इस पूरी खबर को जानेंगे, उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय, तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान इन दिनों पत्नी सायरा बानो संग अपने तलाक को लेकर चर्चा में है। हाल ही में ए आर रहमान ने खुद अनाउंस किया था कि वो और उनकी पत्नी सायरा तलाक लेने जा रहे हैं। इसके बाद से सोशल मीडिया पर ट्रोल्स की बाढ़ आ गई और ऐसे में ए आर रहमान की टीम ने म्यूजिक कंपोजर को बदनाम करने वालों के खिलाफ एक्शन ले लिया है। बता दें कि ए आर रहमान की खबर सामने आने के कुछ ही देर बाद ही उनकी गिटारिस्ट मोहिनी डे ने भी अपने पार्टनर से डिवोर्स अनाउंस कर दिया था। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स ए आर रहमान को मोहिनी डे के साथ लिंक करने लगे थे। इसी वजह से अब ए आर रहमान की टीम ने मनगढ़ंत पोस्ट करने वाले यूजर्स के खिलाफ लीगल नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, ए आर रहमान की टीम की तरफ से जारी किए गए नोटिस में लिखा है कि कुछ कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स ने उनकी पर्सनल लाइफ पर अपनी मनगढ़ंत और सोची हुई कहानियों के साथ निंदात्मक आर्टिकल की एक सीरीज शुरू कर दी है। कुछ बिजी लोगों ने अपनी मैरिड लाइफ की नाकामी पर अपने नज़रिए के बारे में भी इंटरव्यू दे दिए हैं। वहीं नोटिस के मुताबिक कंपोजर को बदनाम करने वाले सभी कंटेंट को 24 घंटे के अंदर डिलीट करना होगा। नोटिस में आगे लिखा है कि हमारा मुवक्किल हमें ये बताने का निर्देश देता है कि किसी भी कार्यक्रम और इंटरव्यू में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, जिसका मकसद हमारे क्लाइंट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और उनके परिवार को भी ठेस पहुंचाना है। वहीं आगे लिखा है, कंटेंट के भूखे सोशल मीडिया यूजर्स ने सस्ते शॉर्ट टाइम प्रचार के लिए संगीतकार को बदनाम करने का सहारा ले लिया है। मेरे मुवक्किल नफरत फैलाने वालों को अगले एक घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के भीतर आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा। दरअसल ऑस्कर विनिंग म्यूजिशियन ए आर रहमान शादी के 29 साल बाद अपनी पत्नी सायरा बानो से अलग हो रहे हैं और रहमान और सायरा के वकील ने पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर बताया था कि कपल ने तलाक लेने का फैसला किया है। पत्नी के मुताबिक वो इस रिश्ते से काफ़ी दर्द से गुजर रही थी, जिसे संभाल पाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया, इसलिए उन्होंने इसे तोड़ने का फैसला लिया है। वहीं ए आर रहमान के फैंस के लिए खबर किसी शॉक से कम नहीं था। पब्लिक नोट के मुताबिक कपल के अलग होने का फैसला अचानक लिया फैसला नहीं है, सायरा बानो लंबे वक्त की सोच समझ के बाद इस नतीजे पर पहुंची थी। इस वीडियो में इतना ही, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। धन्यवाद।